लहराती हुई एक्सटेंशन है। ये देखिए लगाने का तरीकेकार इसका। Assalamualaikum, this is Shreya Yasmin. Welcome back to our channel. मेरे साथ रिचा यहाँ पर मौजूद है और मैं हूँ स्टेपन पार्लर में। आज का जो हम शो कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मुझे जाना था आइकॉन अवार्ड के लिए और एक तैयारी चाहिए थी अच्छी वाली। तो आपको पता ही है कि जब अच्छी वाली तैयारी चाहिए होती है तो मैं आती हूँ रिचा के पास। तो अभी भी मैं रिचा के पास पहुंची हूँ, पहले उनसे मिलते हैं, उनकी बातें करते हैं। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो आपने जो एक हेयर डू किया था और एक मेकअप, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। इतनी गर्मी थी कि मैं खुद से उस मेकअप को संभाल ही नहीं पा रही थी। और जब मैं रिजा के पास पहुंची, सिर्फ हल्का सा मेकअप था, रिजा ने कहीं किया क्या मुंह के साथ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो एक तरफ से मेकअप लगा रही हूँ एक तरफ से उतर रहा है। उसके बाद रिजा ने क्या लगाया, क्या कैमोफ्लेज किया, वो इतना स्ट्रांग मेकअप था कि मैं रात के 11 बजे इवेंट एंड करके आई हूँ वो मेकअप टच से मस नहीं हुआ। और वहां पर भी इतनी गर्मी थी क्योंकि कंजेस्टेड था, लोग ज्यादा होंगे, लोग बहुत ज्यादा थे और बीच लग्जरी में ये इवेंट हुआ था। अब हम रिजा से पूछते हैं कि भाई रिजा ने वो मुंह जो मेरा था वो कैसे संभाला था। हाँ भाई रिजा, क्योंकि वजह ये थी कि मेरा फेस डार्क हो रहा था, डार्क हो रहा था। वो असल आप हमेशा बहुत अच्छा मेकअप करके आते थे, लेकिन उस दिन ये हुआ था कि एक तो गर्मी बहुत थी और सीबम बहुत बन रहा था। तो हमेशा जब भी मेकओवर करते हैं तो मेकओवर के लिए हमेशा ख्याल रखिए कि आप कोई भी उसका टोनर, ऑयली स्किन का टोनर ज़रूर अप्लाई करें। जब आप ऑयली स्किन का टोनर लगाते हैं या बहुत ज़्यादा मेकओवर से पहले, मैं एकदम स्टेंजेंट आता था वो बहुत अच्छा होता था, मेकओवर से पहले वो लगा ले तो सारा दिन ड्राई रहता था स्किन, ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा था, उससे पिंपल्स तक भी नहीं निकलते थे, इतनी अच्छी चीज़ थी। अब वो आता नहीं मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आप उसमें थोड़ा सा जब कहीं जाने लगे तो थोड़ा सा आप जो आइसिंग जरूर किया करें, फेस पे किसी टिश्यू में रख के आइसिंग कर लिया करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर अगर आपके पास टोनर है तो ऑयली स्किन के टोनर, ऑयली स्किन की फेस वॉशेस वो इस्तेमाल करें। जब आप कोई भी ऑयली स्किन का जैसे पीच का बहुत अच्छा आता है, मतलब क्या नाम, फेस वॉश, आप उससे वॉश करें। आप उसके वॉश करने के बाद आप टोनर को अपना अप्लाई करें चेहरे पे, छोड़ दें थोड़ा 5-10 मिनट छोड़ दें, जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप मेकओवर, फिर आप उसमें जो है अपना कोई भी प्राइमर, प्राइमर भी अच्छा। इसमें एक चीज़ बहुत होता है कि जब हम प्राइमर के एप्लीकेशन करते हैं तो प्राइमर जो होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, और ज़्यादातर लोग मेकओवर में प्राइमर जो है वो ऑयली स्किन के यूज़ कर लेते हैं कि अभी मॉइस्चर आता है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको होस्टिंग करनी थी उस दिन, और स्टेज पे होना था, आपके ऊपर लाइट्स पड़ रही थी, तो आपको उस दिन जो है बहुत ख्याल रखना था, बल्कि अभी आप वहाँ गई भी नहीं तो आपकी स्किन बहुत ऑयली हो रही थी, तो आपको वहाँ पे जाने से पहले के सारे ट्रीटमेंट्स लेने ही चाहिए थे। हाँ जी, एक्चुअली मेकअप से बिफोर ट्रीटमेंट, जो जिनकी स्किन बहुत ऑयली हो रही होती है तो उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है। फिर आपको ये था कि आप उसका कोई भी प्राइमर जो है वो ड्राई यूज़ करते हैं, यानी जैसे वाटर बेस का भी होता है या फिर ऐसा जो कि ऑयली स्किन के प्राइमर होते हैं वो यूज़ करते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होता है, आपकी स्किन के पोर्स भी सारे टाइट रहते हैं, आपकी स्किन की जो है वो फ्रेशनेस आती और ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, वो सीबम कंट्रोल भी कर लेता। फिर उसके बाद आप जो है अगर कोई भी मेकओवर कर रहे हैं तो फिर आप HD आजकल बहुत सारे फाउंडेशन में पाया जाता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर वो हल्का सा भी लगा दिया जाए तो जो शूट्स के जो मेकअप होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो आपकी हल्की सी लेयर भी लगी होती है ना, तो आपका ये जो कैमरे की लाइट होती है, जो आपको हमारे पास जो हमने यहाँ पे लाइट्स लगाई होती हैं, रिंग लाइट्स वगैरह, वो सब जो है उससे आपकी स्किन जो है ख़राब नहीं होती, वो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है उससे, और वो उसका जो आपकी लेयर पे जो आगे लेयर से आपको नुकसान भी नहीं करता। अच्छा। क्योंकि हमारी लाजी बात है कि हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस जो लेयर होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो ये सारी लाइट्स को बहुत जल्दी जो है इफेक्ट करती है। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी फाउंडेशन वगैरह का इस मौके पे इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड करें, आप ज़्यादातर पेंट स्टिक का इस्तेमाल करें। पेंट स्टिक जो है कोटिंग कर देती है और फिर उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि फिर आप अब आसानी से उस पर ना ज़्यादा ऑयल आता है ना आपका बेस फटता है, और उससे आप ये देखिएगा आपके चेहरे का जो
एक लुक है ना वो भी चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और अभी वो लुक आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर आगे भी हम बात करेंगे रजा से, क्योंकि अभी तो मैंने मेकअप की बात की है खाली। तो एक मेकअप जो करेक्शन होता है ना, करेक्शन करना जरा मुश्किल काम होता है, और वजह ये है कि एक चीज मैं बनाकर आ गई, अब उसको करेक्ट करना है कि उसमें खराबी है। तो करेक्शन जो रजा ने करके दी, उसके बाद मेरी लुक भी बहुत अच्छी आई, तस्वीरें भी बहुत अच्छी आई। तो अभी हम आपको थोड़ा सा लुक दिखाते हैं, स्टाइल भी अच्छा था। हाँ तो हम बात करेंगे अभी हेयर डू के बारे में। अच्छा जी, आपने ये थोड़ा सा लुक देखा, और अब रिजा से मैं बात करूंगी हेयर डू की। ये मुझे हेयर स्टाइल बड़ा पसंद है जो रिजा ने अभी मुझे बना के दिया है, और मुझे बड़ा मजे का लग रहा था, वो 60s के जमाने का उठा हुआ। और इसमें जो एक मेन चीज थी, जो अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा इसकी एडजस्टमेंट। असल में सारा ताल्लुक क्या होता है, सेटिंग का होता है। अब आपके जैसे बहुत ज्यादा जो आपके चेहरा, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाता है, भरा हुआ माशाल्लाह, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए आपको हाइट देनी होती है। जब बालों की हाइट देते हैं, या तो बहुत ज्यादा चेहरे छोटे होते हैं उनको हाइट दी जाती है, इसलिए कि चेहरा थोड़ा बड़ा हो जाए, और या फिर आपका कुछ लुक ऐसा होता है तो फिर आपको हाइट दी जाती है कि आपके चेहरे का लुक जो है वो थोड़ा स्लिम आए। तो फिर उसमें आपको हाइट देके जब एक्सटेंशन लगाई थी ना, वो आपको बहुत सूट की थी, आगे से फ्लैट थे बाल ना, कोई इतना टेंशन था, बैंड लगा दिया गया था, लेकिन आपके उसमें लुक में चार चांद लग गए ना, वो अच्छा लगा। हाँ, और लॉन्ग मैक्सी मैंने पहनी हुई थी, जो आजकल लॉन्ग ड्रेस चल रहा है, उसके हिसाब से वो बाल बहुत अच्छे थे। मैं वहाँ गई और काफी लोगों ने मुझसे तो ओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ मुझे मिले। और किसी दिन मैं सोच रही हूँ के खास तौर पर जैसे एक दफा फिर इस स्टाइल को बना लूं और साड़ी पे इसको बनाए, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो कर्ल्स में भी होते हैं, आपने तो सिंपल से एक्सटेंशन लगाई तो कर्ल्स में भी होते हैं, टाइट कर्ल्स में होते हैं, और बड़ा फंकी सा स्टाइल लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो वो आप इस तरह के जो है ना स्टाइल्स, मतलब दो तीन तरह के डिफरेंट स्टाइल्स इसी बैककॉमी के साथ आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा अच्छा सा लुक। अब आप कहेंगे कि शिकवता बोल रही हैं, बता रही हैं, दिखा तो दें, चलें आपको लुक दिखाते हैं कि रजा ने बाल किस तरह से एडजस्ट किया था। तो तैयार कर रहे हैं, और शगुफ्ता आज एक आइकॉन अवार्ड में जा रही हैं, और यहाँ पे लाजवाब है कि वहाँ के लिए तैयारी तो मखसूस होनी चाहिए। तो इस वक्त ऑल ओवर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक्सटेंशंस, ये देखिए बहुत खूबसूरत सी एक्सटेंशंस हैं, और इससे इनकी फॉल बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए लहराती हुई एक्सटेंशंस हैं, ये देखिए लगाने का तरीकेदार इसका। पहले आगे की बैककॉमिंग करके, और पहले हमने इसको बैककॉम करके पिनअप किया, पीछे से एक पोनी टेल बनाई, उसका जूड़ा बना दिया, उसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के लिए एहतियात ये जरूरी है कि इसको टाइट फिक्स अच्छी तरह क्लिप करना चाहिए, ताकि आपको कोई मसला दरपेश ना हो। आज शुभता क्या करेंगे वहां पर? आज होस्टिंग है, और आज जो है वो मैंने कहा भाई जब कुछ बहुत खास होता है तो फिर मुझसे तो काम नहीं होता, फिर मैं सीधा रिजा के पास भागती हूँ, मतलब कुछ कर दें, कुछ अच्छा सा कर दें। तो आज एक डिफरेंट सा स्टाइल जो है वो रिजा मुझे दे रही हैं, और ये मुझे तो खैर ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, और अभी थोड़ा बना है, थोड़ा सा रहता है, जो एक जो एक्सपर्टीज होती है ना, एक्सटेंशन लगाना कोई मसला नहीं होता है, उसको प्रेजेंटेबल बनाना एक बड़ी चीज़ होती है। तो इस रिजा जो है वो इस एक्सटेंशन को प्रेजेंटेबल बना रही हैं, और प्रेजेंटेबल बनाने में मुझे तो लुक बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अभी तो इसमें एक चीज़ और आएगी, उसके बाद आप देखिएगा कि लुक कितना खूबसूरत हो जाता है। और ये आपकी एक्सटेंशंस मैंने अच्छी तरह फिक्स किए, ताकि आप
खूब वहाँ पर स्टेज पे जाएंगे, जो मर्जी करें, और बहुत अच्छी लगेगी, गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। ये मैंने अच्छी तरह शगुफ्ता आपको टाइट पिन अप कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब आप बेशक वहाँ जाके इधर जाएं, उधर जाएं, जहाँ भी जाएं लहराएं अपनी, और अच्छी लग रही है आपको ये एक्सटेंशंस, यूनिक सा लुक आ रहा है, डिफरेंट और अच्छा। आज मज़ा आएगा आपको होस्टिंग में भी। हाँ जब वो कहते हैं ना, जब आपका लुक अच्छा हो जाता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। सही, मैं हमेशा कहती हूँ मेन चीज़ है एक्सटेंशन लगाना, कोई इशू नहीं, हर कोई लगा लेता है, लेकिन अब जो उसको फिक्स करने का एक काम होता है ना, जो फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि भाई माशाल्लाह से रिजा को इस चीज़ का कमाल हासिल है, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक्सटेंशन किस तरह से सेट करते मैंने रिजा से सीखी है। ये वाली नहीं कर सकती रिजा, ये मुश्किल काम है। वाइंड अप पे जाए, तो ये था मेरा फाइनल लुक जो मैंने आपको दिखाया, और कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जो वहाँ की हैं। और अब जो है हमारा वीलॉग यहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए, क्योंकि इवेंट तो हो चुका, लेकिन भाई रिजा ने इतनी मेहनत की और कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने, क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी और मुझे पहुँचना था, मुझे एक अफरा तफरी थी, लेकिन उस अफरा तफरी में जितनी क्विकली रिजा ने मुझे काम करके दिया है ना, वो देखने वाला था। रिजा थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन। आप हमेशा मेरे जो है ना वो मुश्किल वक्त में काम आती हैं, और जब भी मैं कहीं फंसती हूँ ना किसी चीज़ में, भाग के रिजा के पता, रिजा ये कर दे, रिजा वो कर दे, और रिजा ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। कहीं उस दिन भी ये बिजी थी, ये भाग कर सिर्फ मेरे लिए आई थी कि शगुफ्ता को जाना है, तो ये रिजा की मोहब्बत है और मुझे भी इनसे मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं, और रिजा के जितने भी शोज़ हैं, मोर देन 100 शोज माशाल्लाह हो चुके हैं। प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, मेकअप के, हेयर डू के, बेतहाशा ट्यूटोरियल है, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, सिंघार विद रिजा का वहाँ पे फोल्डर मौजूद है, उसमें से जो देखना चाहें देखें, जो सीखना चाहते हैं सीखिए, और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।